हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आज हम आ गए हैं दिल्ली के सुंदर नर्सरी। अगर आप भी यहाँ आना चाहते हैं अपने प्राइवेट व्हीकल से, तो आप या तो मैप के थ्रू आ सकते हैं अगर आपको लोकेशन का आइडिया नहीं है। तो आपको यहाँ आने के बाद 100-200 मीटर पहले पार्किंग मिल जाएगी। वहाँ आप अपना व्हीकल पार्क करके वॉकिंग करके आराम से आ सकते हैं। अगर आप मेट्रो से आना चाहते हैं तो आपको उतरना पड़ेगा हजरत निजामुद्दीन। वहाँ से उतरने के बाद आपको 10 रुपए का बैटरी रिक्शा मिलेगा, वो आपको सीधा यहाँ छोड़ देगा सुंदर नर्सरी के सामने। उसके बाद आप यहाँ सीधा करेंगे एंट्री। एंट्री करते ही आपको टिकट लेनी है टिकट काउंटर से। टिकट का प्राइस रहेगा 50 रुपीज पर पर्सन, और बच्चों के लिए जो कि 5 से 12 साल के होंगे उनके लिए 25 रुपए, और सीनियर सिटीजन्स के लिए भी 25 रुपए होगा। यहाँ आपको डायरेक्शन मैप मिल जाएगा देखने को, जहाँ पे बता रखा है कि किस डायरेक्शन पे क्या है। हम चलेंगे यहाँ पे सुंदर बुर्ज की साइड स्ट्रेट। सुंदर नर्सरी एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है जो मुगल्स के टाइम बनवाया गया था। फॉर लेटर ऑन 20th सेंचुरी इसे फिर से स्टेब्लिश किया गया एज अ प्रोटेक्टिव नर्सरी, एंड रिसेंटली 2018 में इसे पूरे एरिया को रिनोवेट किया गया। अब सुंदर नर्सरी दिल्ली का पहला ऐसा हेरिटेज पार्क है जहाँ पे आप अलग अलग गार्डन्स के साथ 300 ट्रीज की स्पेशीज देखने को मिल जाएगी। गाइस, यहाँ से हमें पहली चीज़ मिली है, इसे शकरकंदी कहा जाता है। ये लाल वाली शकरकंदी होती है। हमारे यहाँ साथ इस फार्मिंग स्पेशलिस्ट बंदे हैं यहाँ पे, वो बताएंगे। देखो ऊपर के यहाँ पे खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इस पे। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो गाइस, हम लोग जा रहे हैं नर्सरी में जहाँ पे आप परचेज कर सकते हो कुछ। देखो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रखा है, कलम लगा रखी है यहाँ पे एक दूसरी जड़ निकालने के लिए। यहाँ पे देखो इस तरीके से पूरे हर पौधों में कर रखा है, और इसमें जड़ें भी आ रही हैं आप देख सकते हैं। आपको तरह तरह के पौधे दिखेंगे, अ लॉट ऑफ वैरायटीज, जो कि परचेजेबल होता है। इसकी प्राइस का भी कुछ नहीं पता हमें, प्राइस देखेंगे आगे जाके क्या रहता है किसका। आप देख सकते हैं, ये देखिए ये पपीते लगा रखे हैं, और देखो कितने छोटे में कितना बड़ा पपीता है। ये देखो इसमें लगा रखा है सिर्फ इतने से हमें कितना बड़ा पपीता है। ये जामुन है, इसमें थोड़े कीड़े लगे हुए हैं, ये जामुन का पेड़ है। और ये है कड़ी पत्ता। तो यहाँ पे तो कोई बंदा ही नहीं है, किससे खरीदेंगे? तो प्राइस भी तो लिखा होना चाहिए ना। यह है मुराया पेनिकुलाटा, पेनिकुलाटा, अब जो भी इसको प्रोनाउंस करते होंगे। इतनी डीप नॉलेज नहीं है। यहाँ से हम जाएंगे राइट। बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है। आपके राइट लेफ्ट स्ट्रेट हर जगह पौधे ही पौधे दिखेंगे। देखें यहाँ फल तोड़ के रखे हुए हैं किसी ने।
ये एक्चुअली कटिंग करके लगा रख लगाने के लिए कटिंग कर रखी है। हाँ, और ये इतने बड़े छोटे नींबू हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे पड़े हैं। ये देख, ये देखो कटिंग करके छोड़ रखा है यहाँ पे। तो मतलब ये कायदे से देख सकते हैं आप, इतने सारे यहाँ फेंक रखे हैं, इसमें से खुशबू भी आ रही है। ये कटिंग करने कटिंग करके लगाने के लिए है। इसमें खाद वाद मिक्स करके मिट्टी कर डाल के ना वो करेंगे ये लोग, लगाएंगे। जैसे लगा रखा था ना एंट्री पे, वो दिखाया था। अरे थोड़ी हार्वेस्टिंग भी कर रखी है। ये पता नहीं क्या चीज है, लेकिन जो भी अच्छी लगी है। ए, ए, ये देखिए आपने, यहाँ पे इन्होंने टेक्सास सेज कुछ ऐसा दिखता है, और इसकी भी देखिए कटिंग लगा रखी है। दूर दूर तक यहाँ कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिससे पूछा जा सके इसके बारे में, ना ही प्राइस और ना ही इसकी डिटेल्स पड़ेगी। बोगनविलिया, ये हमारे घर पे भी है बोगनविलिया, हमने इसकी कटिंग्स लगा रखी है, बट यहाँ पे नॉट फॉर सेल लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं दूर दूर तक पूरा बोगनविलिया है। उनकी वेराइटीज होंगी, बट जितने में भी फ्लावरिंग आ रखी है वो रखी है फ्लावरिंग, वो तो पूरे पिंक की है और कोई कलर नहीं दिखता। इसका नाम पत्तियां हैं इसकी। तो जैसा कि हमारे साथ एक दोस्त आया है, वो पहले भी यहाँ पे आ चुका है, तो उसने बताया कि ये जहाँ ये पूरा जहाँ तक जा रहा है आपका देखते हैं, पूरा रोज से भरा हुआ था ये, हर कलर के रोज थे यहाँ पे। बाकी सारे जैसा कि ये बता रहे हैं कि ब्लैक कलर छोड़ के सारे रोज थे ये, आप देख सकते हैं पूरे इतने में रोज से भरा हुआ था पूरा, लेकिन आज एक भी प्रॉपर रोज नहीं है, बीच बीच में इक्का दुक्का हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे ये पिंक कलर का दिख रहा होगा आपको, और फिर उसके बाद ये थोड़ा सा रेड और पिंक का मिक्स है ये, और अंदर चलते हैं। ये थोड़ी लंबी शेप में ये वो वाला गुलाब है, और ये आपका आ जाता है फिर येलो कलर वाला गुलाब। ये शायद सीजन नहीं है इसलिए इसके कलर भी उड़ गए हैं। देखिए अपराजिता, अपराजिता
अपरिचित है ये। ये देखिए हमें देख के अंदर भाग गए हैं छुपने जंगलों की साइड थोड़ा सा। इस टाइम उतने फ्लावर्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे, बट आप जनवरी फेब के टाइम आओगे तो आपको बहुत सारे तरह तरह के फ्लावर्स मिलेंगे। ये इतनी बड़ी है नर्सरी, इतनी बड़ी कि हम लोग घूम घूम के थक गए हैं। तो अब हमें आगे दिखी एक छोटी सी वैन, वहाँ पे कुछ खाएंगे उसके बाद कुछ घूम सकेंगे। एक यहाँ पे फैब कैफ़े नाम की जगह है, मतलब एक छोटा सा कैफ़े है, बट वहाँ पे आपके मतलब का हो सकता है कुछ ना मिले खाने का, और कॉस्टली, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और पूरा इटालियन है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा बिल्कुल वहाँ पे ना जाएं हवाबाजी में, बस थोड़ा सा टाइम पास खा लें, अपना चाय पकौड़ी नाश्ता कर लें, उसके बाद थोड़ा घूमें और घर चलें। ये वैन है, यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा मिलेगा नहीं खाने के लिए। हम पैटीज लेने गए, 5 चाहिए थी लेकिन वो 4 ही बची। तो आपके पास पैटीज, पॉपकॉर्न और एक दो आइसक्रीम और चाय कॉफ़ी, बस इतना ही मिलेगा और यही हमने भी लिया है। भाई हमें अभी अभी पता चला है, यहाँ के जो एक सिक्योरिटी गार्ड ने बताया है, 70 लाख रुपए का बनाया गया है एयर प्योरीफायर। देख सकते हो इसका डिजाइन, इसमें पता नहीं ऐसा क्या है, पर नाम देखते हैं जरा क्या है। तो गाइस अब हम लोगों ने खत्म कर लिया है पूरा सुंदर नर्सरी, अब हम जा रहे हैं अपनी पार्किंग की तरफ। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।